देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑलवेज रियल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या गिवन है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अक्ष में बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि हमें उसके रूट चेक करने, इमेजनरी है, इक्वल है या रियल है, तो हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसका ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑलवेज रियल होना चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए डी इसका। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि बी क्या है हमारे पास, ये ए है ये और सी ए है। ठीक है, तो बी क्या है, टू इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए क्या है हमारे पास, बी माइनस सी, एंड सी की जगह क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो हमें प्रूव करना है इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देना है, लेस देना है। ठीक है, तो देखो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो फोर तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो फोर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी। ठीक है, माइनस ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, यही आएगा। ठीक है, ये ए बी बी माइनस बी स्क्वायर सी ए एंड प्लस बी सी ए। ठीक है, तो फोर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, इसका होल स्क्वायर किया था हमने, एंड माइनस ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ये प्लस सी ए एंड माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा फोर इंटू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए बी एंड माइनस ऑफ बी सी एंड माइनस सी ए और प्लस सी ए, माइनस टू सी ए माइनस सी ए क्या हो जाएगा, प्लस सी ए, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए। ये अपने पास आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, फोर को करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और टू एंड टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक देखो एक फॉर्मूला बताया हमारे पास कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो यहाँ से टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ओवर यहाँ से देखो टू इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड माइनस ओवर ए स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस है प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, तो ये इसमें ओवर एड हो जाएगा, तो ये सिक्स टाइम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ओवर टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अब ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि जो इसके रूट्स है वो ऑलवेज रियल होंगे। ठीक है, इजी है।